मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए मतदान किया, पर भोपाल की विधानसभा सीटों में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अफसोस जताया और इसे चुनाव आयोग की नाकामयाबी बताया। मध्य प्रदेश में मतदान 76% से ज्यादा हुआ, पर भोपाल की विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा, जो कि निराशाजनक है। भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने इस पर अफसोस जताया और कहा कि ये चुनाव आयोग की नाकामयाबी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के लिए कोई खास व्यवस्था बूथ में नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, 18 में डाला था, 18 में बनी, 23 में भी मालिक ने चाहे हम लोगों ने डाला है, 23 में सरकार बनेगी। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और लूटी हुए लोग थे, लुटेरे थे, मध्य प्रदेश की जनता लुटेरों को बाहर कर रही। ये बहुत बड़े दुख की बात है, चुनाव आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं है और चुनाव आयोग का पूरा के पूरा प्रोपोगंडा झूठा और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इतना मैं ऑब्जर्वर से सुबह से कह रहा हूँ, इतना स्लो मतदान है। एक तरफ चुनाव आयोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है कि 100% मतदान करो, दूसरा ये हाल है कि पोलिंग बूथ के ऊपर कम से कम एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे लोग खड़े हुए, तो डेढ़ दो घंटे अगर एक 60 साल 70 साल के व्यक्ति लाइन में खड़ा है तो क्या हाल होगा। तो ये सरकार का एक मतलब चुनाव आयोग को मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये गंभीर है ये विषय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।